भाई लोगों नमस्कार। मैं इस वक्त अपने मासू वाले बगीचे में हूँ, जहाँ थोड़ा सा हाई डेंसिटी का बगीचा है मेरा। यहाँ पे सेटिंग तो काफ़ी अच्छी हो गई है, पर अब सब जगह सूखा पड़ने लग गया है। सब लोगों के पास इरिगेशन सिस्टम तो होता नहीं है कि इरिगेशन कर ले, तो थोड़े से प्रिकॉशंस लेने हैं कि आपने क्या करना है ऐसे सूखे में, क्योंकि अभी इंटरनेट भी 15-20 दिन बारिश नहीं दिखा रहा है। एक तो बम्पर क्रॉप लग गई है, सबके ही लगी होगी ऑलमोस्ट, जिनके फूल ढंग के आए होंगे। तो ये देखिए, 5 है तो 5 है, 4 है 4 है, जहाँ 6 है 6 के 6 सेट हुए हुए। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना कि फंजीसाइड इतनी ज़रूरी नहीं है अभी करनी, क्योंकि सूखे में फंजीसाइड थोड़ा ड्राई कंसेप्ट रहती है। अगर आपको ज़रूरी है तो कोई हल्की फुल्की फंजीसाइड करना। जनरली हम क्या करते हैं कि हम यूरिया करते हैं जब बारिश होती है। ये यूरिया की स्प्रे करने का बिल्कुल सही टाइम है, क्योंकि इस वक्त न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, सॉइल से कम मिल रहा है, नीचे की नमी तो है, कुछ दिनों में नहीं मिलेगा। तो अगर आप वो न्यूट्रिशन स्पेशली नाइट्रोजन पत्तों से देंगे तो आपके काफ़ी फ़ायदा मिलेगा उसका। अभी तो नहीं बोल रहा, अभी तो मेरे को लग रहा है कि नीचे नमी है। जब हफ्ते भर में अगर बारिश नहीं आई तो आपको न्यूट्रिशन, और बोरिक एसिड एक बफर का काम करता है, उसमें आप बोरिक एसिड भी मिला सकते हैं। फंजीसाइड करेंगे तो बहुत हल्का फुल्का कीजिएगा, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बड़े सोच समझ के कीजिए, क्योंकि इस वक्त माइक्रोन्यूट्रिएंट के नाम से मार्केट में बहुत कुछ है और बहुत महंगा है। वो एक किस्म से हमारे को, हम बेवकूफ़ी बन रहे हैं इतने महंगे स्प्रेस करके। तो अगर आपके बहुत ही सनी है और बहुत ड्रॉट कंडीशंस हैं तो आप हफ्ते में नाइट्रोजन 1-1.5 किलो अगर सेटिंग होगी, अगर फूल है तब तो नहीं, मतलब यूरिया 1-1.5 किलो 2 किलो तक, और 100 ग्राम 150 ग्राम बोरिक एसिड डाल सकते हैं। और हो सके तो सॉइल में मल्चिंग कीजिए, ताकि उससे ज़्यादा मॉइस्चर ना उड़े। वैसे डीप मॉइस्चर तो है, पर टॉप सॉइल में मॉइस्चर की थोड़ी कमी लग रही है। इस बार जहाँ भी सुनने को आया है लोगों से, जहाँ जहाँ फूल है उसमें सभी कह रहे हैं कि बम्पर क्रॉप है, स्पेशली लो हाइट्स में। तो अगर आप थिनिंग करते हैं, मेरे ख्याल से तो थिनिंग ज़रूरी है, अगर आप थिनिंग करते हैं तो जितनी जल्दी थिनिंग करोगे उतना कम स्ट्रेस पड़ेगा पेड़ों में, और नेक्स्ट ईयर की क्रॉप भी ज़्यादा अच्छी होगी। तो अगर आप थिनिंग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करें, क्योंकि अब सेटिंग तो लोअर मिडिल में दिखने लग गई है, काफ़ी दिख रही है। ये मेरा गाला का ब्लॉक है, गाला में तो ऑब्वियसली सेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसमें सेटिंग कोई कमी नहीं रहती है, ऑलमोस्ट हर फूल जो आता है वो सेट हो जाता है। तो अगर आप थोड़े बहुत प्रिकॉशंस लेंगे और जो आने वाला सूखा या ड्रॉट कंडीशंस है उससे आप थोड़ा बहुत निपट सकते हैं, कोशिश कीजिए, फ़ायदा ज़रूर होगा।